गोलमा पंचायत के पूर्व प्रधान पप्पू पर गोलमा पंचायत की ही एक औरत निशा ने कुछ दिन पहले वीडियो वायरल की थी और उसको पूर्व प्रधान पप्पू जान से मारने की धमकी दे रहा है। वीडियो वायरल होते ही गांव की महिलाएं, बुजुर्ग व नौजवान लोग इकट्ठे हुए और पूर्व प्रधान पर लगाए गए आरोपों को झूठ का पुलिंदा बताया। गांव वालों में काफी रोष देखने को मिला। गांव वालों ने कहा कि हम सब पूर्व प्रधान के साथ हैं। गांव वालों के साथ साथ निशा के परिवार वाले भी पूर्व प्रधान के साथ खड़े दिखे। पूर्व प्रधान पप्पू ने मीडिया को बताया कि पिछले कुछ दिन से फेसबुक पर जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं उसको देखते हुए मैं और मेरा परिवार मानसिक तौर पर गुजर रहा है। जब मीडिया ने कहा कि आपका पक्ष जानना चाहते हैं, निशा ने जो आरोप लगाए हैं जैसे कि पीछा करना, मारना या कल को किसी से मरवा सकता है, जो कुछ भी कहा है सब झूठ का पुलिंदा है। पप्पू ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी को भी आज तक तंग नहीं किया है और मेरी कोशिश रही है कि मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। पुलिस व प्रशासन को पत्र दिया कि मेरे पर जो आरोप लगाए गए हैं इनकी जांच की जाए। पप्पू ने कहा कि जांच में अगर मैं दोषी पाया गया तो मुझ पर कार्यवाही हो, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। पिछले 5-6 दिन से फेसबुक पे जो वीडियो वायरल किए जा रहे हैं उनको देखते हुए मैं और मेरा परिवार बहुत ही मानसिक तौर पर पीड़ित रहा है और 5-6 दिन बाद जैसे आप लोगों ने संपर्क किया कि हम आपका पक्ष जानना चाहते हैं तो हमने आपको कष्ट दिया कि आज हम उन लोगों को भी इकट्ठा करेंगे जो पीड़ित हैं, निशा के पति को भी बुलाएंगे जिस पर भी गंभीर आरोप है। मैं ये जो वारदात हुई है इसका कारण आपको पंचायत बताएगी कि एक दिन पहले पंचायत वहां गई, लेकिन इस औरत ने जो मेरे पर मेरा पीछा करना, मुझे मारना या कल को मुझे मरवा सकता है, ये जो कुछ भी कहा है सब झूठ है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक किसी को भी दुख नहीं पहुंचाया। मैंने जन कल्याण के कार्य में ही ध्यान दिया और मेरी कोशिश रही है कि कोई भी व्यक्ति मेरी वजह से दुखी ना हो। मैंने पुलिस और प्रशासन को भी जो चिट्ठी दी कि ये जो मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं इनकी जांच की जाए, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझ पर कार्रवाई हो, अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो जिन लोगों ने ये झूठे आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ और जिस चैनल ने ये जो क्या बोलते हैं इसको वायरल किया है वीडियो उस पर भी कार्रवाई हो। धर्मशाला डीसी ऑफिस के बाहर जब उस महिला को पत्रकार ने पूछा कि आपके पति आपके साथ हैं तो उसने कहा कि नहीं है और यही कह रही है वो बार बार कि मेरे पति को महिला प्रधान का पति गलत शराब पिलाकर नशे पिलाकर उसे मरवाने के लिए बोलता है। तो मलकीत उसके पति आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल में 4-5 साल से कोई भी कार डिटेल आप निकाल सकते हो कि मैं मलकीत सिंह से मैंने बात भी की हो। इस औरत ने मेरे खिलाफ 4 वर्ष पूर्व मानहानि का केस किया था क्योंकि इसका झगड़ा अपने परिवार के चाचे तायों के साथ था और उस मामले में हमें उन फैसलों में जाना पड़ता रहा। तो जब जब भी हम वहाँ गए तो इसके दिमाग में एक ही बात रही कि ये मेरी बात नहीं सुनते। इसने केस शुरू किए, एक एक करके सभी पर केस किए, हमसे कभी गुस्से में भी बात हो गई। तो इसका केस करने का मकसद ये है कि ये उस वक्त एक मानव अधिकार मंच के साथ जुड़ चुकी थी और उस मंच का जो मेन हेड है उसके चुंगल में फंस चुकी थी। हम इस चीज का विरोध करते रहे कि आप अपने पति के साथ ठीक रहो, अपने घर पे अपने बच्चों को संभालो।
निशा के पति मलकीत सिंह ने कहा कि पूर्व प्रधान पप्पू ने आज तक कभी भी किसी को तंग नहीं किया। निशा द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं वो सरासर गलत आरोप हैं। निशा परिवार को भी परेशान कर रही है और बर्बाद कर रही है। 8 वर्षों से निशा और कुछ निशा के साथ जुड़े लोग पूर्व प्रधान व परिवार वालों पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। जब बात की जाती है तो उल्टी लड़ाई निशा करती है और ऑनलाइन शिकायत करवा देती है। मलकीत ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि उसे इंसाफ दिलवाया जाए। ये जो है ना गलत है, ये गलत आरोप लगा रही है। इसने जितना भी बोला है झूठ बोला है, ठीक है। ये हमारे परिवार अपने परिवार को खजल खराब कर रही है। 8 सालों से ये मनोज कुमार और निशा, ये इसके साथ 2-3 बाबे जुड़े हैं, इनका कोई पता नहीं चलता भी क्या करते हैं क्या नहीं है। सुबह निकल जाती है, सुबह 7 बजे और रात को 11-11 बजे भी घर आती है। जब मैं इसको पूछता हूँ तो जब मेरे से उल्टी लड़ाई करती है, फिर ठीक है, फिर मैं जहाँ मर्जी रहूँ और ऑनलाइन रिपोर्टें कर देती है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर। ये DC साहब से मिले थे, इन्होंने आप पर भी रोक लगाया कि आपसे भी खतरा है। मेरे से क्या खतरा, मैंने तो कुछ नहीं आज तक नहीं कहा। आज तक ये कुछ भी एक थप्पड़ भी लगाया होगा ना, मुझे जितनी सजा देनी होगी वो दे सकते हैं। इन्होंने बोला है कि आप पूर्व प्रधान जो हैं, ये आपको शराब वगैरह पिलाकर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। मैं कभी नहीं पी, इन कभी नहीं पी।